एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में महानगर के टीपी नगर चौराहा और पादरी बाजार चौराहे पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया गया। आपको बता दें कि मदिरा के सेवन में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को अत्यधिक चालान की कार्यवाही के लिए यातायात पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अधिकांश दुर्घटना का कारण बनता है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, अगर किसी को शराब पीने का शौक है तो वह अपने घरों में जाकर पिए। ट्रैफिक पुलिस रात्रि 8 लोगों के विरुद्ध चालान किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही नियमित रूप से जारी रहेगी। दुर्घटनाओं से बचने के लिए और अपने और दूसरे के स्वास्थ्य रक्षा के लिए शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का कारण होता है शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो मेरा यही अनुरोध है सभी चालकों से कि शराब पीकर कोई गाड़ी ना चलाए। अगर किसी का शौक है तो अपने घर में इसको बैठ के करें और उसके बाद वाहन लेके ना निकलें। अब यथासंभव जहाँ तक है नशे से बचना चाहेंगे, और नशे की दशा में अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो गोरखपुर पुलिस द्वारा बीती रात 8 लोगों के विरुद्ध भारी जुर्माना किया गया है और ये कार्रवाई हमारी नियमित रूप से जारी रहेगी। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए और अपने और दूसरे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नशा पीकर गाड़ी न चलाएं, ऐसा मैं सभी गोरखपुर वासियों से अनुरोध करता हूँ। बहुत से लोग सर सड़क किनारे खड़े होकर दारू पीते, उनके लिए क्या? जो लोग सड़क के किनारे खड़े होकर दारू पीते हैं, ऐसी कोई शिकायत आएगी तो ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस दोनों मिलकर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई करेंगी।